गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द सेम चैप्टर इज सॉइल। इस टॉपिक से पहले हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया था, वो आपको मैंने सारा समझा दिया है और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रीन रेवोल्यूशन। अब हमारा नेक्स्ट है सॉइल। सॉइल जो टॉपिक है इसमें हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे और सॉइल की इम्पॉर्टेंस क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे मेन। ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये जो टॉपिक है सॉइल अपने पिछली क्लासेस में। सॉइल क्या है? सॉइल जो है अपर मोस्ट लेयर है जो अर्थ क्रस्ट पे है। ठीक है, आपने देखा होगा जो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है क्रस्ट की, जो अपर मोस्ट लेयर है उसको हम सॉइल कहते हैं। ठीक है, जिसको हम टॉप सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, द अपर मोस्ट क्रस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज द वेदर्ड लेयर विच इज कॉल्ड एज टॉप सॉइल। सॉइल मीन्स अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि ये जो सॉइल है जो अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ क्रस्ट की, इसी में ही सब सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें जितने भी डेड के प्लांट्स एनिमल्स हैं, ठीक है, वो भी जब जैसे झड़ जाते हैं प्लांट्स से लीव्स झड़ कर ज़मीन पर गिरते हैं और वो इस मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही जो डेड एनिमल्स हैं वो भी डिकम्पोज होकर इसमें मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो डेड के प्लांट्स एनिमल है मिट्टी की ऊपरी परत में ही इन्हीं के साथ मिक्स हो जाते हैं, इसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर देती है सॉइल की। ठीक है, साथ ही साथ ओवरऑल ये भी हमने देखा है कि यही सॉइल है जो कि प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। लाइक जैसे ग्रास है ना, ये फ्रूट्स हो गए, जो हमारे फ्लावर्स है, फूड ग्रेन्स है, या वेजिटेबल्स हैं, या प्लांट्स हैं बड़े बड़े, हर चीज़ हमें कहाँ से मिल रही है, प्लांट्स के थ्रू। और सब जो प्लांट है वो कहाँ ग्रो करता है, सॉइल में। इसीलिए अच्छी सॉइल होना बहुत ज़रूरी है अगर हमने अच्छी वेजिटेशन चाहिए। ठीक है, प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करेंगे तभी जब सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होगी। तो यहाँ पर ये समझाया गया है। नेक्स्ट इज सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर क्रॉप। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो सॉइल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, क्रॉप्स के लिए, वेजिटेशन के लिए। तभी अच्छी फसल आएगी, तभी अच्छा प्लांट ग्रो करेगा और उसमें अच्छे न्यूट्रिशंस होंगे और हम लोग जो हैं जो भी वेजिटेबल्स ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, सीरियल्स ले रहे हैं, सब कुछ हम लोग प्लांट से ही ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर उसमें अच्छे न्यूट्रिशंस होंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग भी हेल्दी रहेंगे। अगर सॉइल गंदी होएगी, उसमें केमिकल्स होंगे, उसमें अच्छे न्यूट्रिशंस नहीं होंगे, सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी नहीं होगी, तो जो प्रोडक्ट है वो भी अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, वेजिटेशन अच्छी नहीं होगी, अच्छा ग्रो नहीं कर पाएंगे जो प्लांट्स है, फ्रूट्स अच्छे नहीं होंगे और ऑटोमेटिकली हमारे हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट करेगा। तो सॉइल का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉइल पे ही, इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल। सॉइल की क्या इम्पॉर्टेंस है, इसको हमने फोर लेवल में डिवाइड किया है। ए हॉरिजोन, बी हॉरिजोन, सी हॉरिजोन एंड डी हॉरिजोन। इसको हम बहुत सिंपल वे में समझेंगे। ये जो ए बी सी डी हॉरिजोन में हमने डिवाइड किया है, ये क्या है, लेयर्स है एक तरीके से। जैसे ए हॉरिजोन जो है इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर, ये बहुत बिल्कुल अपर मोस्ट लेयर है, ब्लैकिश कलर में होता है, ब्राउनिश ब्लैकिश कलर में, और ये फर्टाइल लेयर होती है सॉइल की, जो आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया सॉइल के बारे में। ये जो लेयर है ऑर्गेनिक मैटर से रिच होती है, मतलब इसी में ही सारे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। ठीक है, और जो प्लांट्स हैं ट्रीज़ हैं वो भी इसी लेयर में यहीं पर ही ग्रो करते हैं, और जो हमारे डेड डिके प्लांट्स एनिमल हैं वो भी डीकम्पोज होकर इसी लेयर में मिक्स हो जाते हैं, जिस वजह से इसको रिच बनाता है ये। एंड नेक्स्ट इज बी हॉरिजोन, ये सेकंड मोस्ट लेयर है, सेकंड लेयर है। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है सी हॉरिजोन, ये थर्ड लेयर है, जहाँ पर कुछ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं जब हम खोदते हैं। आपने देखा होगा ऊपर, आप ये देखोगे धीरे धीरे ये सेकेंड लेयर आती है, उसके बाद और अंदर खुद खुदाई करोगे तो ये थर्ड सी लेयर आती है, जिसमें आपको ये चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी, स्टोन्स पीसेस जो हैं छोटे छोटे। ठीक है, और उसके बाद डी हॉरिजोन आता है,
यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ग्रेवल्स वगैरह फाउंड, मतलब बड़े बड़े पत्थर आपको मिलने शुरू होंगे जब नीचे नीचे और खुदाई करेंगे। तो मतलब इसको लेयर में हमने बताया है आपको, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए जितना मैंने दिया है इसमें, कि इसको 4 लेवल में हमने बताया है, हॉरिजन ए बी सी एंड डी, और ये अपर मोस्ट लेयर है, सेकेंड लेयर है, थर्ड है, फोर्थ है, और थोड़ा थोड़ा जितना मैंने लिखा है बता दीजिएगा। उसके बाद इंग्रेडिएंट्स ऑफ सॉइल, सॉइल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स अब ये 4 बताए हैं कि मिट्टी में ये चीज़ें इतना इतना परसेंट पाया जाता है। मिनरल मैटर 50 to 60, ऑर्गेनिक 7 to 10, सॉइल एंड वाटर 25 to 35, सॉइल एंड एयर 15 to 25। ये चारों चीज़ें सॉइल में होने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें होंगी तभी वो सॉइल अच्छी कहलाएगी, फर्टाइल कराएगी और एग्रीकल्चर में अच्छी हेल्प करेगी और अच्छा प्रोडक्ट हमें देगी, ठीक है, अच्छी पैदावार होगी फसलों की। उसके बाद आ जाओ मेन कंपोनेंट्स क्या हैं सॉइल के। जो मेन कंपोनेंट्स हैं सॉइल के वो है सॉइल मॉइस्चर, एयर, माइक्रो एंड मैक्रो ऑर्गेनिजम्स, मिनरल मैटर एंड ऑर्गेनिक मैटर। इसमें हम बताएंगे जैसे सॉइल है, सॉइल में मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि सॉइल में नमी होती है, जब आप खुदाई करोगे तो आपको उसमें थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर मिलेगा। अगर उसमें मॉइस्चर नहीं है, बहुत सूखा है, तो वो बंजर ज़मीन कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रेगिस्तान का दे सकते हैं, राजस्थान का दे सकते हैं। जब अंडरग्राउंड वाटर ख़त्म हो जाता है, सूखा पड़ना शुरू हो जाता है, तो सॉइल में मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाता है। तो सॉइल में मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब बारिश ना हो रही हो, बरसात नहीं है, तो मिट्टी ऑटोमेटिकली अपने में नमी बना के रखे, ये होना बहुत ज़रूरी है। एयर पास होना बहुत ज़रूरी है, जो मिट्टी है वो ऐसी हो। जब भी आपने देखा होगा टाइम टू टाइम हम लोग फसलों में खुदाई करते हैं, या आपने देखा होगा घर में भी गार्डन्स हैं तो आप उसकी खुदाई करते हैं थोड़े समय बाद, या पॉट्स में भी आप उसको खुदाई करते हो एयर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रो एंड मैक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होने चाहिए। जैसा आपने सुना होगा कि जो माइक्रो एंड मैक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, वो उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। इसका एग्जांपल अर्थवर्म भी है, आपको अच्छे से पता है कि अर्थवर्म जैसे ऑर्गेनिज्म जो है सॉइल में पाए जाएंगे तो फर्टिलिटी इंक्रीज में हेल्प करती है और अच्छे न्यूट्रिशंस मिलते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म मिट्टी में पाए जाने बहुत ज़रूरी है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ज़रूरी नहीं अर्थवर्म। वैसे तो अर्थवर्म को हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा कई लोग स्पेशली जो है अर्थवर्म खरीद कर लाते हैं और अपने फसलों में डालते हैं ताकि वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करें। नेक्स्ट इज़ मिनरल मैटर्स, मिनरल्स होने बहुत ज़रूरी हैं। मिनरल्स जैसे आपने देखा होगा कि जो सॉइल में अगर अच्छे मिनरल्स होंगे तो वही वाटर के थ्रू हमारे प्लांट में आएगा और फ्रूट्स में आएगा, फूड में आएगा और हम तक पहुँचेंगे। तभी हम जब कोई फूड प्रोडक्ट लेते हैं तो हम कहते हैं ना कि इसको खाने चाहिए, इससे हमें ये हेल्थ से रिलेटेड फ़ायदा होता है। जैसे किसी से हमें विटामिन्स मिल रहा है, किसी से हमें न्यूट्रिशंस मिल रहा है, किसी से हमें मिनरल्स मिल रहे हैं, ये चीज़ें। एंड नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक वर्ड जहाँ आता है वो आपको पता ही है कि ऑर्गेनिक की बात हो रही है कि केमिकल फ्री होना चाहिए, बिल्कुल केमिकल नहीं सॉइल में, लैंड में। केमिकल फ्री होगा तो ऑटोमेटिकली जो केमिकल है प्लांट्स में नहीं आएंगे और प्लांट्स से ह्यूमन बीइंग में नहीं आएंगे। तो ये मेन 5 कंपोनेंट्स हैं सॉइल के, ये आपको पता होने चाहिए। उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का आपका, कि सॉइल की इम्पॉर्टेंस क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल फॉर क्रॉप। सॉइल की इम्पॉर्टेंस क्या है, कि पहला तो ये कि एक मीडियम बना के रखता है, और मीडियम का काम करता है। सेकंड सप्लाई ऑफ वाटर, वाटर सप्लाई करता है। एंड थर्ड इज़ प्रोवाइड न्यूट्रिशन। एक मिट्टी वो प्लांट तक ये चीज़ें पहुंचाती है, आपने देखा होगा। एक मीडियम का काम कैसे करा, आपने प्लांट को ग्रो किया, प्लांट लगाया, तो क्या हुआ, आपने देखा होगा रूट्स के थ्रू प्लांट्स में न्यूट्रिशंस जा रहे हैं, लीव्स में जा रहे हैं, स्टेम्स में जा रहे हैं, और कोई फ्रूट बनकर आ रहा है, प्रोडक्ट बनकर आ रहा है ना, फिर उसमें वो सारे न्यूट्रिशंस है। आप पेड़ों को पानी दे रहे हो तो सॉइल के थ्रू ही वो रूट्स में जा रहा है। आप सॉइल में ही पानी डालते हो ना, तभी वो पेड़ों में जाता है। तो एक मीडियम का काम करता है। सेम यही सप्लाई ऑफ वाटर, आपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा होगा, उसमें आप देखा होगा कि सनलाइट से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो सेम ऐसे ही ये वाटर की बात हो रही है, जब आप पानी देते हो तो रूट्स के थ्रू जो है स्टेम्स में होते हुए ब्रांचेस में होते हुए लीव्स तक सब जगह पानी पहुंचता है,
ये सप्लाई करता है। एंड नेक्स्ट इज़ प्रोवाइड न्यूट्रिशन, जो आप खाद वगैरह डालते हैं, कंपोस्ट मिट्टी में डालते हैं, वही सारा प्लांट्स को जाकर मिलता है। तो ये मेन 3 पॉइंट्स हैं जो कि सॉइल, इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल फॉर क्रॉप है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट फंक्शंस आप बता सकते हैं सॉइल के क्या है, तो ये मेन इम्पॉर्टेंट है। अब फीचर्स, अगर हम कहें कि गुड सॉइल किसे कहते हैं, तो ये छोटा छोटा पॉइंट आपको पता होना चाहिए। गुड सॉइल क्या है, जो कि मतलब कि सॉइल को हम अच्छा कब कहते हैं, जब वो बहुत अच्छी इजीली ड्रेन हो जाती है, ठीक है, और वार्म अप क्विकली, ठीक है। इट सोक अप हैवी रेन, जो अब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही तो उसको भी इजीली सोक लेता है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे पानी खड़ा ही रह गया बहुत दिनों तक, उससे भी मिट्टी ख़राब हो जाती है और पैदावार अच्छी नहीं होती है, ठीक है। सॉफ्ट होनी चाहिए इजीली, जैसा आपने देखा होगा कि जब मिट्टी को हाथ लगाते तो उसको जब आप ऐसे करो तो सॉफ्ट हो, मतलब कि मॉइस्चर होगा तो ऑटोमेटिकली सॉफ्ट होगा, ठीक है। इट डज़ नॉट क्रस्ट आफ्टर प्लांटिंग, जब प्लांट्स आप लगाओ तो उसके बाद वो मतलब कि खुरदरा पर नहीं होना चाहिए, उसमें पत्थर कंकड़ वगैरह ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तभी कहते हैं ना खुदाई करते रहो टाइम टू टाइम। ये बहुत सारे यही पॉइंट है, जस्ट आपको जनरल पता होना चाहिए कि अच्छी सॉइल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा कि अच्छी सॉइल वही है जिसमें अच्छे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, ठीक है, जो सॉइल इरोजन नहीं होने देता है, और जो सॉइल है उसमें जितने भी अच्छे ऑर्गेनिक मैटर होंगे तो प्लांट्स को अच्छा ग्रो करने में हेल्प करेगा, ठीक है। सूखा नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर को अच्छे से एब्जॉर्ब करके रखे, ये सारे आपके पॉइंट्स हैं कि अच्छी सॉइल किसे कहते हैं। नेक्स्ट है द लिविंग सॉइल। लिविंग सॉइल क्या है? लिविंग सॉइल वो कहलाती है जो कि ऑर्गेनिक मैटर जिसमें होना चाहिए, जैसे डेड डिके प्लांट्स एनिमल्स हैं, वो जब डीकम्पोज होकर मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, अर्थ वर्म वगैरह, और माइक्रो कीड़े मकोड़े छोटे मोटे मिट्टी के अंदर, तो वो एक अच्छी सॉइल कहलाती है और फर्टाइल सॉइल कहलाती है, जो कि प्लांट्स को अच्छा ग्रो करने में भी हेल्प करती है। जो ओवरऑल आपको मैंने सॉइल के बारे में बताया, वही एक अच्छी सॉइल और लिविंग सॉइल कहलाती है। मतलब कि अगर आप कहीं जाएं किसी ज़मीन में को चेक करें और सॉइल को चेक करें, और आप कैसे चेक करोगे, सबसे पहले आप देखोगे कि उसकी नमी कैसे, खुदाई आप उसको थोड़ा सा खोदो तो आप देखोगे कि इसमें नमी है। खुदाई करते समय आपको वहाँ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मिलते हैं, अर्थवर्म मिलता है, तो वो एक हमें सिग्नल देता है कि ये अच्छी सॉइल है, यहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं। और वहाँ पर आप देखें कि डेड के प्लांट्स एनिमल्स जो है मर के गल के सड़ के वहाँ पर ख़राब होकर मिक्स हो चुके हैं, तो वो भी एक अच्छी सॉइल कहलाता है। तो आपका यहाँ ये चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं जो चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में पता होना चाहिए क्या है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रीन रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन आता है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है और इसके इम्पैक्ट्स बताइए, और सॉइल क्या है और इसके इम्पॉर्टेंस बताइए, या लिविंग सॉइल किसे कहते हैं, ये आपका बनता है यहाँ से, ठीक है बेटा। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, जो हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पार्ट 1 कर रहे थे। ओके, थैंक यू।